अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला। आज मौजूदा हालात पाकिस्तान के जो है वो बहुत ज़्यादा कशीदा हैं और माशरे के अंदर जो है वो इंतशार बरपा है और बहुत ज़्यादा जो है वो गैर मुल्की ताकतें जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक खाना जंगी की कैफियत जो है वो पैदा करना चाहती हैं। आपने देखा कि पिछले एक माह अगर हम जाते हैं तो जो गाजी फैसल वाला वाक़या भी जो है वो पेश हुआ और उसके बाद एक तादाद जो है वो सामने आना शुरू हुई कि हर शख्स जो है वो मुंह उठाकर नबूवत का दावा कर देता था। हमारे यहाँ बहुत से जो तलबा नुमाइंदा तंजीमात के नुमाइंदा तलबा भी हैं और बहुत से नज़रियाती तलबा भी हैं, वो सिर्फ हमें रोड़ों के ऊपर सिर्फ नारेबाजी करते हुए नजर आते हैं और उन्हें भी बुनियादी तौर पर हमारा जो अकीदा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं। जब तक हमारे पास इल्म नहीं होगा उस वक्त तक जो है वो हम आगे सर्वाइव नहीं कर सकते माशरे के अंदर। तो अहले सुन्नत फाउंडेशन जो कि तलबा की इल्मी फिक्री और नज़रियाती नुमाइंदा तंजीम है, हमने इस बात का फैसला किया कि मौजूदा हालात के अंदर तलबा की आगाही के लिए 7 रोज़ा खत्म नबूवत कोर्स का ऐलान किया जाए। हमने जो है वो 7 रोज़ा खत्म नबूवत कोर्स का ऐलान किया जो कि 1 सितंबर से 7 सितंबर तक जो है वो जारी रहा और 7 सितंबर यौम खत्म नबूवत को तहरीक खत्म नबूवत के ऊपर गुफ्तगू करते हुए जनाब मुफ्ती मोहम्मद फजल रसूल रजवी साहब, हम आपके बहुत ज़्यादा ममनून व मशकूर भी हैं। मैं अपनी जाती हैसियत में अहले सुन्नत फाउंडेशन की तमाम तर जिम्मेदारान कारकुनान की तरफ से और कायदे मिल्लत इस्लामिया जिगरगोशा शम्सुल मशायख नबीरे मुहद्दिस आदम पाकिस्तान साहेबजादा काजी फैज़ रसूल रजवी साहब चेयरमैन तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान, आपकी तरफ से भी आपका जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात में से जो है वो टाइम दिया और बहुत ही मेहनत और लगन के साथ आपने जो है वो लेक्चर्स दिए और दिल जो है उन्हें सुनकर जो है वो बाग बाग हो गया और दिल के अंदर जो है वो नूर जो है वो चमकता हुआ महसूस होने लगा। तो खत्मे नबूवत के हवाले से नौजवानों को 7 रोज़ा कोर्स के अंदर बहुत सी मालूमात हासिल हुई और इससे पहले हमने रजिस्ट्रेशन का अमल भी जो है वो स्टार्ट किया था। मैं थोड़ा सा क्योंकि कोर्स के हवाले से कुछ लोगों को अब उनके मैसेजेस भी जो है वो आ रहे हैं तो हमारी जो निज़ामत तालीम व तरबियत है उसने कुछ बातें जो है वो कोर्स के हवाले से तय की हैं कि ये बात तय पाई थी कि हम लोग जो है वो इस्नाद जारी करेंगे। अब ये था कि बहुत से स्टूडेंट्स ने जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाई, इसके बाद हम लोगों ने ये बात महसूस की कि जिन स्टूडेंट्स ने बाकायदा तौर पर क्लासेस ली हैं उन्हें ही फ़कत जो है वो इस्नाद जो है वो जारी की जाए ना कि रजिस्ट्रेशन की बुनियाद पर। तो अब जो है वो एक छोटा सा गूगल फॉर्म की सूरत के अंदर आयदा कुछ दिनों के अंदर आपके सामने एक फॉर्म जो है वो शो होगा जिसे बाकायदा तौर पर हमारी सोशल मीडिया की टीम जो है वो शेयर करेगी। उसके अंदर जो है वो आप जब उसके जवाबात देंगे और उस टेस्ट को जो हमारे तलबा पास करेंगे उन्हें अहले सुन्नत फाउंडेशन की तरफ से एजाजी इसनाद जो है वो जारी की जाएंगी। तो आप जो है वो अहले सुन्नत फाउंडेशन के पेज को जो है वो लाइक करें, फॉलो करें और वहां से होने वाली कोर्स के वाले से हर अपडेट को जो है वो चेक करते रहें और नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह अहले सुन्नत फाउंडेशन जो है वो अपनी खदमात का सिलसिला जो है वो जारी रखेगी। और आज के पैगाम के अंदर हमारे मुआशरे की जो है वो बेहिसी जो है वो इस कदर हमें नजर आ रही है कि जो लाहौर बॉर्डर वेक पर होने वाला जो वाकया है हम उसकी भरपूर अल्फाज में मुजम्मत भी करते हैं और हम ये समझते हैं कि जो पंजाब पुलिस की तरफ से जवाब आया वो जो है वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी का बायस है। उस बयान को सुनकर वो एक जो वाकया हुआ इंसानियत शर्मिंदा थी और जो फिर उसके बाद मुआशरे के रखवालों के जो बयान सामने आए मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा अफसोसनाक थे जिसने हमारे चेहरे जो है वो झुका दिए। मुआशरा बहुत ज्यादा बेहिस होता चला जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के नजरियाती फर्जंदों को जरूरत है कि वो उठें और पाकिस्तान के लिए अपना भरपूर किरदार जो है वो अदा करें। उठो के घूम रहे हैं खजां के हर कारे, चमन बचाओ के गमे आशियां का वक्त नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।